राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय फतेहाबाद में शिक्षक दिवस धूमधाम से मनाया गया। रतन देवी कॉन्वेंट स्कूल में बड़े उल्लास के साथ मनाया गया शिक्षक दिवस। मंगलवार को राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय फतेहाबाद में प्राचार्य प्रोफेसर पुष्पा कश्यप के मार्गदर्शन में शिक्षक दिवस का धूमधाम से आयोजन किया गया। वहीं रतन देवी कॉन्वेंट स्कूल पर छात्र छात्राओं ने बधाई उल्लास के साथ शिक्षक दिवस मनाया गया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने गुरुओं का सम्मान कर आशीर्वाद लिया और केक काटा गया। इस अवसर पर विद्यालय के अध्यापक और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद थे। वहीं दूसरी ओर राजकीय महाविद्यालय फतेहाबाद पर शिक्षक दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सिरसागंज के पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर आरपी शर्मा रहे। इस अवसर पर महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने शिक्षकों के प्रति अपने विचारों को व्यक्त किया। मुख्य अतिथि प्रोफेसर आरपी शर्मा ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें अपनी कथनी और करनी में अंतर न करते हुए गुरुजनों में आस्था और समर्पण का भाव रखना चाहिए। राजकीय महाविद्यालय गोंडा की प्रोफेसर आशा सिंह ने कहा कि बच्चों को शिक्षक दिवस के अवसर पर शपथ लेनी चाहिए कि वे अपना लक्ष्य बनाकर काम करेंगे तथा देश की प्रगति का हिस्सा बनेंगे। महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर पुष्पा कश्यप ने शिक्षकों द्वारा खोए हुए गौरव को पुनः प्राप्त करने पर बल दिया। शिक्षक दिवस के अवसर पर महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा अपने अपने उद्बोधन पेश किए गए तथा शिक्षक दिवस की महत्वता बताई। वहीं छात्र छात्राओं द्वारा केक काट कर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती भी मनाई गई। कार्यक्रम के संचालक डॉक्टर देवेंद्र शर्मा रहे और आभार ज्ञापन। सुशील कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।